अस्सलाम वालेकुम। जावा लैंग्वेज के छठे लेक्चर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल हमारे पास मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशंस होती हैं, जिन लोकेशंस पे हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा को स्टोर करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना और स्क्रीन पे प्रिंट करवाना सीखा था। आज के लेक्चर में हम जावा लैंग्वेज में वेरिएबल की टाइप्स देखेंगे। हमारे पास तीन टाइप्स हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ये तीनों टाइप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के बारे में हम बात करते हैं कि ऐसे वेरिएबल जो किसी एक मेथड में या फंक्शन में डिक्लेयर किए गए हों। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम है, जो हमने यहाँ पे बेसिक स्केच बनाया हुआ है प्रोग्राम का, इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है फोर्थ, और उस फोर्थ क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है मेन। तो सबसे पहले हम यहाँ मिसाल देखेंगे लोकल वेरिएबल की। तो अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं पब्लिक, ये आइडेंटिफायर, ये बाद में बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि ये क्या होते हैं, पब्लिक टाइप का, और void return टाइप होगी, और फंक्शन हम यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देते हैं जो इनपुट में कुछ भी नहीं लेगा, void और ये उसकी बॉडी। तो यहां मेरे पास दो फंक्शन मैंने बना दिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं int a, और इधर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं int b, तो यहां पे हम इन दोनों वेरिएबल्स को नाम देंगे कि ये हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं। ये भी लोकल वेरिएबल है और ये भी हमारा लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल है हमारा ए, हम इसे जस्ट इस मेन में यूज कर सकते हैं। इस मेन से बाहर जैसे ही हम आएंगे जहां पे मेन एंड होगा, हम वहां पे इस ए को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर हम यहाँ पे ए को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एरर आएगी, अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल या अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। इसका मतलब होगा कि हमें ये ए जो है हमने वहां पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ, क्योंकि ए का जो स्कोप है वो ए को डिक्लेयर करने से लेके इस फंक्शन के एंड तक है। तो वो जो यहां से जस्ट यहां तक बनता है। यहाँ पे हम a इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन से बाहर आके हम a इक्वल टू 20 ये लाइन नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एरर आएगी और यहाँ पे ये लाइन नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे इसका स्कोप नहीं है। तो ये था हमारा लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल को अगर हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो हम इसे यहां पे यूज करेंगे हमारा मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और डबल कोट्स के अंदर आके मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, और साथ में कॉन्कैटिनेट हम करवा देते हैं यहाँ पे ए के वेरिएबल को। अगर इसे रन करें, इधर मेरे पास प्रोजेक्ट का एक फोल्डर है जिसमें मैंने ये फाइलें सेव की थी, और इसका नाम मैंने रखा था जावा सी, उसका कोड, और यहाँ पे प्रोग्राम नेम FORTH फोर्थ डॉट जावा। तो यहाँ पे एरर फन, सेव की नहीं किया था आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे ये इशू था, वो डिक्लेयर स्पेस का इशू आ रहा था। तो यहाँ पे आके मैंने इसे, अब हम इसे रन करते हैं जावा फोर्थ,
द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 10, ये लाइन हमारी यहाँ पे लिखी हुई आ गई। तो ये था हमारा लोकल वेरिएबल, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बाउंड्री के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसे दूसरे में यूज करेंगे तो वो हमारा वहां पे इशू आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास बारी आती है इंस्टेंस वेरिएबल की। इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसे हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर और फंक्शन से बाहर, मेथड से बाहर। मतलब ये ऐसे वेरिएबल होंगे जो किसी एक क्लास में डिक्लेयर हुए होंगे और उसके जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उस क्लास के, वो तमाम में खुद ब खुद से क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पे आके मैं लिख देता हूं इंट आई इक्वल 100। तो ये हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो किसी एक खास क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया हो और मेथड से बाहर डिक्लेयर किया गया हो। यानी कि ये देखें, क्लास यहां से स्टार्ट है तो क्लास में हमने इसे डिक्लेयर कर दिया और मेथड से पहले डिक्लेयर किया हुआ है। इसे मेथड के बाद यहाँ पे भी हम किसी को डिक्लेयर कर सकते हैं इंट जे इक्वल 200। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा। इंस्टेंस वेरिएबल की वर्किंग हम नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। और थर्ड हमारा जो है वो है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल भी हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम किसी एक क्लास में डिक्लेयर करते हैं, ये हमारा लोकल वेरिएबल नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होगा कि स्टैटिक इंट वी, और इसे हम वैल्यू देते हैं फॉर एग्जाम्पल 40। तो यहां पे देखें स्टैटिक का वेरिएबल, स्टैटिक का मतलब ये होगा कि जब हम फोर्थ क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमने 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, लेकिन उनके लिए स्टैटिक वेरिएबल एक ही क्रिएट होगा और ये 10 के 10 जो हमारे ऑब्जेक्ट थे वो इन्हें इसी वेरिएबल को शेयर करेंगे। ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल अगेन सुन लें, एक ऐसा वेरिएबल कि जब उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे तो स्टैटिक वेरिएबल तमाम ऑब्जेक्ट के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए सिर्फ एक ही क्रिएट होगा और तमाम ऑब्जेक्ट उसे ही शेयर करेंगे। इनकी वर्किंग और बाकी तमाम चीजें नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।